मैं शेफ कृष्णा और आप देख रहे हैं मैजिक किचन ऑफ कृष्णा। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस और स्पेशल रेसिपी। आज हम लाए हैं चीज बर्स्ट पिज्जा, जो कि आप घर पे ही बना पाएंगे। इतना डिलीशियस कि अब आपको डोमिनोज जाने की जरूरत नहीं है, घर पे ही बनाइए। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस ये पिज्जा बनने वाला है। इतना यमी है कि बच्चे तो इसको खा के खुश हो जाने वाले। खूब सारा चीज और साथ में वेजिटेबल, होममेड है। कैसे बनाते हैं बने रहिए वीडियो पे। टिप्स और ट्रिक्स के साथ हम शेयर करने वाले आज आपको ये टेस्टी, सुपर टेस्टी रेसिपी, डोमिनोज का बर्स्ट पिज्जा घर पर। तो चलिए बने रहिए वीडियो में और बनाइए ये स्पेशल चीजी चीज बर्स्ट पिज्जा। जरूर ट्राई करना चाहिए आपको। बनाइए और बनाकर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी ना? तो चलिए बनाते हैं जल्दी से ये चीज बर्स्ट पिज्जा। अब ज्यादा सोचना छोड़ दीजिए और बना लीजिए हमारे साथ ये मैजिकल रेसिपी। अपने बच्चों के लिए डेफिनेटली उनको बहुत पसंद आने वाला है। तो टिप्स और ट्रिक्स जरूर फॉलो कीजिएगा और चलिए बनाते हैं आज ये स्पेशल चीज बर्स्ट पिज्जा हमारे साथ में, मैजिक किचन के साथ में, मैजिकल रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम इन मैजिक किचन ऑफ कृष्णा। मैजिक किचन हमेशा लाता है आपके लिए अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। तो डिलीशियस रेसिपी के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा मैजिक किचन ऑफ कृष्णा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती है। फ्रेंड्स, हम लाते हैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रेसिपीज, इंडियन रेसिपीज, ट्रेडिशनल रेसिपीज और बहुत सारी इनोवेटिव रेसिपीज। तो इनोवेटिव और स्पेशल रेसिपीज बनाने के लिए बने रहिए मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ। मैजिक किचन को आपने जो प्यार दिया है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। यूं ही बने रहिएगा और यूं ही प्यार बरसाते रहिएगा। हम आपके लिए लाते रहेंगे अमेजिंग डिलीशियस रेसिपीज। तो फ्रेंड्स, चलें देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कौन सी है और आज की रेसिपी के टिप्स और ट्रिक्स कौन से हैं। तो चलें बनाते हैं आज की स्पेशल रेसिपी। चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं पिज्जा। सबसे पहले लगा लेंगे डो। यहाँ पे हम ले रहे हैं 4 कप ऑल पर्पस फ्लार। तो 4 कप हम लेंगे फ्लार और अच्छे से इसको छान लेंगे। छानना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि किसी तरह का लम्स नहीं चाहिए जब हम ब्रेड बना रहे हैं। तो किसी तरह का हार्ड पोर्शन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लम्स फ्री होना चाहिए। तो इसको अच्छे से छान लेंगे। अब हम यहाँ पर 2 कप हमने पहले छाना था, 2 कप अब छान लेंगे। एक साथ 4 कप नहीं छान सकते फ्रेंड्स, अच्छे से नहीं छनता, इसलिए 2-2 कप करके हम छान रहे हैं इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, 4 कप फ्लार यानी ऑल पर्पस फ्लार हमने छान लिया। अब हम यहाँ पे लेंगे 1/8 कप कैस्टर शुगर और 1 टीस्पून सॉल्ट, इसको भी छान लेंगे। 1/4 कप का आधा लिया है हमने कैस्टर शुगर। देखिए कैस्टर शुगर में लम्स होते हैं, बड़े टुकड़े होते हैं, इसलिए उसे छानना बहुत जरूरी है। तो सॉल्ट और शुगर हमने छान लिया है। अब बाकी के इंग्रेडिएंट इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ड्राई ईस्ट। ब्रेड को फर्मेंट होने के लिए बहुत जरूरी है सारे इंग्रेडिएंट।
अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर, तो 1/4 कप हम मिल्क पाउडर ऐड कर रहे हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 कप लुक वार्म मिल्क, हल्का गुनगुना दूध हम ऐड कर रहे हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 कप हमने दूध ऐड किया है, अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद अब हमें जितना नीड होगा उतना हम पानी ऐड करेंगे, तो पानी भी हमें गुनगुना ही ऐड करना है। तो 1 कप हमने दूध लिया है, अब जितनी आवश्यकता होगी उतना हम पानी लेंगे, उस डो को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे 1 कप पानी हमने लिया है अभी, तो थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड कर रहे हैं, जितने पानी की जरूरत होगी उतना हम ऐड करेंगे। तो देखिए 1 कप पानी भी हमने ऐड कर लिया है, तो 1 कप दूध और 1 कप पानी ऐड किया है। अब जितनी पानी की और जरूरत होगी उतना हम ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी लेने का ये रीजन होता है कि डो हमें सेमी टाइट चाहिए, बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं चाहिए और बहुत लूज भी नहीं चाहिए, इसलिए पानी को आपको मेजरमेंट के हिसाब से ही लेना है। तो देखिए पानी हम उतना ही लेंगे जितने में सेमी टाइट डो बन जाए। तो हमने 1 कप दूध और 1 कप पानी लिया था, अभी पानी की और जरूरत है, तो यहाँ पे 1/2 कप पानी हम ले रहे हैं। इस डो को लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रहे हैं ताकि डो अच्छे से लग जाए। ब्रेड बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि डो आप अच्छे से लगाएं, पेशेंस के साथ लगाएं। डो जितना अच्छा होगा ब्रेड आपका उतना ही अच्छा बनेगा। तो जो पिज्जा बेस है उसके लिए ये डो हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके पानी हम ऐड कर रहे हैं। हम उतना ही पानी ऐड करेंगे फ्रेंड्स जितने में ये डो अच्छे से लग जाए, सेमी टाइट डो हो तो उतना ही हम पानी ऐड करेंगे। ध्यान रखें कि जब भी आप पिज्जा बनाते हैं तो डो को बहुत अच्छे से नीड करना जरूरी है। डो खूब अच्छे से ब्रेड नीड होगा तो आपका जो पिज्जा बेस है वो भी अच्छा होगा, पिज्जा खाने में बहुत टेस्टी होगा। और हम बना रहे चीज बस, तो उसके लिए तो बहुत जरूरी है कि जो पिज्जा बेस है वो बहुत अच्छा हो, क्योंकि डबल लेयर होता है। देखिए थोड़े से पानी की और जरूरत है, हम ऐड कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि डो अच्छे से, सारा आटा अच्छे से नीड हो गया और ये सेमी टाइट डो है। आप देख सकते हो डो अच्छे से डो लग के रेडी है। अब हमें इस डो में ऐड करना है बटर, तो हम लेंगे लोटस का बटर। देखिए इम्पोर्टेंट होता है कि सबसे पहले तो आप डो फ्लावर को कलेक्ट करें और एक डो की शेप दें। उसके बाद सेकेंड पोर्शन होता है कि डो को बहुत अच्छे से नीड करें, नीडिंग बहुत मस्ट है। तो पहले इसको चिकना करें, तो डो हमारा रेडी हो गया। अब इसको हमें करना है चिकना। चिकना करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे बटर। बटर कौन सा ऐड करेंगे? बटर हम ऐड करेंगे लोटस का बटर, लोटस डेरी का बटर। बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सॉफ्ट है ये बटर, तो लोटस डेरी का बटर हम यूज करेंगे। देखिए बहुत अच्छा बटर है ये, आप मार्केट से जरूर लाइएगा। जब भी आप ब्रेड बनाएं या कोई ब्रेड जैसी कोई भी रेसिपी आप बनाते हैं, बटर यूज करना है तो आप यूज करें लोटस बटर। तो यहाँ पे हम ऐड करें बटर, 80 ग्राम बटर हमने लिया है।
और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, तब तक लगाएंगे जब तक कि बटर अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता डो में। देखिए बटर अच्छे से मिक्स हो गया, अब इसे 15 मिनट तक हमें नीट करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है ब्रेड बनाने का, कि आपको जो ब्रेड है उसमें बटर ऐड करने के बाद उसे 15 मिनट, तकरीबन 15 मिनट आपको उसे नीट करना ज़रूरी है। ये देखिए अभी हम इसको देखते भी जा रहे हैं, चेक करते जा रहे हैं, जब ये नीट करें खूब अच्छे से इसको नीट करें, और जब ये बिल्कुल फटे नहीं तब आप समझ जाइए कि डो आपका रेडी है। आप चाहें तो मशीन में भी इसे, नीटिंग मशीन में भी नीट कर सकते हैं। ये देखिए डो हमारा बन के रेडी है। डो कंप्लीट होने के बाद इसे हम इस तरह से टक कर देंगे, उसके बाद इतनी इसे बटर लगा देंगे और फिर ऊपर भी बटर लगा देंगे और क्लिंग रैप करके 1 घंटे का इसको रेस्ट देंगे। 1 घंटे में हमारा डो फर्मेंट हो जाएगा। तो गर्मियों में तो आप बाहर काउंटर पे छोड़ दीजिए, सर्दियों या बारिश का मौसम हो तो आप इसे ओवन में, गर्म ओवन में रख दीजिए। तो अभी बारिश का मौसम है तो हमने गर्म ओवन में रखा, और ये देखिए डो फर्मेंट हो गया हमारा 1 घंटे बाद। अब इसको हमें थोड़ा सा नीट करना है, जितना पोर्शन हम बनाएंगे उतना पोर्शन हम यूज़ करेंगे और बाकी का ढक के रख देंगे। तो ये देखिए आधा पोर्शन हमने लिया है और आधे में दो हम भाग कर लेते हैं, क्योंकि हम बना रहे चीज़ बस, तो इसलिए 2 डिस्क बेलना है हमें। तो देखिए दोनों को हमने इस तरह से कर दिया है, ये देखिए इस तरह से। अब इसका भी हम कर लेंगे आधा। तो फ्रेंड्स हमने इसको आधा करना है, क्योंकि हम इसके 2 बनाएंगे डिस्क, इसलिए 2 भागों में इसको बांटना जरूरी है। तो 2 भागों में हमने इसको बांट लिया, आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, क्योंकि हम बड़े साइज का पिज्जा बना रहे हैं। तो अब इसको हमें बेलना है डिस्क। तो 2 पेड़े हमने बना लिए हैं, ये देखिए इस तरह से 2 बॉल्स रेडी कर लेंगे और इससे बनाएंगे हम पिज्जा। तो 2 बेस हमें बनाना है, तो इसको करना है हमें अच्छे से बेलना है, डिस्क बेलना है। ये देखिए हम अरेंज करेंगे इसको पिज्जा ट्रे में, यदि आपके पास पिज्जा ट्रे नहीं है तो आप कोई से भी ट्रे में कर सकते हैं। तो पिज्जा ट्रे में हाथ से फैला देंगे हम, आप चाहें तो इसको रोलर पिन से भी बेल सकते हैं, लेकिन ये हाथ से अच्छे से फैल जाता है। तो हाथ से फैला देंगे, ये देखिए रेडी है ये हमारा, हाथ से फैला दिया हमने। तो फ्रेंड्स बड़ा मजा आने वाला है आज, तो चीज बस्ट पिज्जा, OMG, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है फ्रेंड्स, और आपके मुंह में आ रहा है ना। तो अब हम पिज्जा सॉस को अच्छे से फैला देते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि साइड्स हमें छोड़ना है, क्योंकि हम बना रहे अंदर वाला पोर्शन, अभी साइड्स हमें नहीं लगाना है। तो सॉस लगाने के बाद में अब इस पे स्प्रिंकल करेंगे हम मोजरेला चीज। तो कंजूसी नहीं करें, क्योंकि चीज बस पिज्जा है तो अंदर से खूब सारा चीज निकलना चाहिए। आप चाहें तो स्लाइस चीज भी इसमें यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे मोजरेला चीज यूज कर रहे हैं खूब सारा। ये देखिए मोजरेला यूज कर रहे हैं खूब सारा। आप चाहें तो स्लाइस चीज भी यूज कर सकते हैं, हम यूज कर रहे हैं मोजरेला चीज खूब सारा। और अब इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे पिज्जा ओरिगानो मिक्स, इसमें हर्ब्स और स्पाइसेस सभी हैं। तो पिज्जा ओरिगानो मिक्स
हम स्प्रिंकल कर देंगे, इससे एक अच्छा सा बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा आपकी पिज्जा में। तो नीचे का जो बेस है वो रेडी है फ्रेंड्स, अब हमें ऊपर का बेस रेडी करना है। थोड़ा सा सॉल्ट भी हम स्प्रिंकल कर देंगे। अब ऊपर का बेस हमें रेडी करना है जिसको कि हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो थोड़ा सा ऑरिगेनो हम और यूज कर रहे हैं क्योंकि फ्लेवर यदि प्रॉपरली नहीं आया तो पिज्जा का मजा नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो चलिए दूसरा डिस्क भी हम बना लेते हैं, इसको हम बेल लेंगे। जो पहला हमने डिस्क बनाया है उससे छोटा बनाना है हमें, तो उसको हम बेल लेते हैं। चाहे तो हाथों से फैला लें, चाहे तो बेल लें। देखिए इस तरह से पहले वाले से छोटा हमें बनाना है। ये रेडी हो गया है। तो देखिए इस तरह से हम कवर कर देंगे। देखिए पहले वाले से ये छोटा है, अब इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो जो हमने सॉस और चीज लगाया था उसको कवर कर दिया हमने दूसरे डिस्क से। अब इस तरह से इसको कवर करेंगे। अब देख सकते हैं इसको दबाते जाएंगे ताकि साइड थोड़ा सा उठा हुआ बने। ये देखिए ठीक इस तरह से दबा देंगे तो अंदर का जो चीज है वो निकलेगा नहीं। जब आप इसको पिज्जा को काटेंगे तभी निकलेगा वो, नहीं तो क्या होता है यदि आप दबाए नहीं अच्छे से तो जब ये बेक होगा तो साइड से भी निकलने लगेगा। इसलिए जरूरी है कि आप उसको बहुत अच्छे से दबा दें। आप देख सकते हैं हमने कवर कर दिया खूब अच्छे से। ये भी इम्पोर्टेंट पोर्शन है जब आप चीज बस बनाते हैं। तो हमने सिर्फ मोजरेला डाला है, आप चाहें तो उसमें और चीज भी यूज कर सकते हैं, लाइक पार्मेजान या स्लाइस चीज भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए कवर हो गया अच्छे से और साइड्स को हम थोड़ा दबा दबा के इसको लॉक कर देंगे। और ये देखिए इस तरह से अच्छे से लॉक करना जरूरी है फ्रेंड्स, नहीं तो बेक होते वक्त नीचे वाला जो चीज है वो निकलने लगेगा। अब इसमें भी हम ले लेंगे पिज्जा सॉस और साइड्स को छोड़ते हुए जहां से हमने दबा के किया था वो साइड्स को हम छोड़ देंगे। साइड्स को छोड़ते हुए इसको स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। अब यहाँ भी हमें खूब सारा चीज यूज करना है तो मोजरेला ही यूज कर रहे हैं हम, खूब सारा मोजरेला। कंजूसी नहीं करें फ्रेंड्स, यदि चीज बस पिज्जा खाना है तो आपको चीज दबा के लगाना पड़ेगा। तो खूब सारा चीज लगाएं। देखिए स्लाइस चीज भी आप यूज कर सकते हैं, हम श्रेडेड चीज यूज कर रहे हैं मोजरेला का। देखिए खूब अच्छे से भर के लगाया हमने। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे ऑलिव, तो हम ब्लैक ऑलिव यूज कर रहे हैं, आप ग्रीन ऑलिव भी यूज कर सकते हैं। देखिए स्लाइस कर लिया हमने ऑलिव के और ब्लैक ऑलिव हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। डेकोरेशन आप जैसा पसंद करते हैं वैसा कर सकते हैं, जितना ऑलिव आप यूज करना चाहे उतना कर सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है फ्रेंड्स। देखिए हम यूज कर रहे हैं ऑलिव और हम यूज करेंगे वेल पेपर, ग्रीन वेल पेपर। देखिए कॉर्न यूज करेंगे हम, खूब सारा कॉर्न। ये कॉर्न हमने बॉईल कर लिया था। ऑलिव कॉर्न और ग्रीन वेल पेपर हम यूज करने वाले।
तो देखिए खूब सारा कॉर्न इसको हमने बॉईल कर लिया था। ध्यान रखें कॉर्न जब भी आप यूज करें तो उसको अच्छे से ब्लांच कर लें, बॉईल कर लें। ये स्वीट कॉर्न हम यूज कर रहे हैं। देखिए खूब सारा कॉर्न हम यूज करेंगे। और साथ में यूज करेंगे ग्रीन वेल पेपर यानी शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च जिसको हमने बारीक चॉप किया है। इसको भी स्प्रेड करते हैं, अच्छे से फैलाते हैं। देखिए इस तरह से जितने अच्छे से आप इन्हें यूज करेंगे उतना ही टेस्टी बनेगा ये पिज्जा। अब ऊपर से और चीज, तो चीज की कहीं भी कंजूसी नहीं कि हमने खूब सारा चीज यूज किया है। देखिए खूब सारा ऊपर से भी चीज यूज कर दिया हमने। अब इसके ऊपर भी स्प्रिंकल करेंगे हम पिज्जा ऑरिगेनो मिक्स, जो कि हर्ब भी है, स्पाइसेस भी हैं, और साथ में हम स्प्रिंकल करेंगे सॉल्ट। तो पिज्जा ऑरिगेनो हर्ब्स ये आपको मार्केट में अवेलेबल है, आप चाहें तो बना भी सकते हैं सभी चीजों को मिक्स करके। या मार्केट से भी आपको मिल जाएगा पिज्जा ऑरिगेनो हर्ब्स। स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ा सा सॉल्ट भी स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा हम रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल कर रहे हैं जो कि एक अच्छा सा कलर लेकर आता है। पेपरिका हो तो आप पेपरिका भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट और साइड्स में लगा देंगे हम लोटस का बटर। साइड्स में खूब अच्छा सा ग्लेज आ जाएगा बटर से। देखिए सेंटर पे हमने सभी चीजें यूज की है और साइड्स में हम लगाएंगे लोटस का बटर। फ्रेंड्स हमारा पिज्जा रेडी हो रहा है। हमने ओटीजी को प्रीहीट होने के लिए रखा है 180 डिग्री पे 15 मिनट के लिए। हमारा ओटीजी प्रीहीट होगा तब तक हमारा पिज्जा बन के रेडी होगा। देखिए रेडी हो गया हमारा पिज्जा, अब इसे बेक करना है। तो ओटीजी हमारा प्रीहीट हो गया है 180 डिग्री 15 मिनट्स। ओटीजी को सेट करेंगे 200 डिग्री पे 25 मिनट के लिए। चीज बस्ट है इसलिए टाइम ज्यादा लगेगा, यदि प्लेन पिज्जा होता तो 15 मिनट में रेडी हो जाता। तो 25 मिनट 200 डिग्री। देखिए रेडी हो गया हमारा चीज बस्ट पिज्जा, ऑलिव भी है, कॉर्न भी है और वेल पेपर भी। और ओवन से निकालने के बाद बटर जरूर ब्रश कर लें। कौन सा बटर? लोटस का बटर, टेस्टी एंड डिलीशियस बटर। तो फ्रेंड्स हमारा रेडी है ये यम्मी डिलीशियस चीज बस्ट पिज्जा लोटस बटर के साथ में, बहुत टेस्टी और बहुत डिलीशियस। फ्रेंड्स बनाइए, आप पिज्जा हट को भूल जाएंगे, डोमिनोज को भूल जाएंगे और घर पे बनाना पसंद करेंगे हमारी तरह चीज बस पिज्जा। तो फ्रेंड्स क्या कभी आपने खाया है इतना टेस्टी चीज बस पिज्जा? नहीं खाया तो जरूर बनाइए, हमारी तरह बनाइएगा। हम आपको हम पिज्जा को काट के बता रहे कि पिज्जा कैसा बना है अंदर से और कितना चीजी है, कितना टेस्टी है, डिलीशियस है। टेस्टी कितना है ये तो आप बनाकर ही टेस्ट कर पाएंगे, हम आपको सिर्फ अनुभव दे सकते हैं। तो बनाइए जरूर और फिर बताइएगा हमें कि कैसा बना आपका चीज बस पिज्जा। देखिए बहुत टेस्टी है, बहुत डिलीशियस, इतना यामी है कि मुंह में पानी आ रहा है और बच्चे तो इसे बेहद पसंद करने वाले हैं। फ्रेंड्स पिज्जा हो और बच्चों को पसंद ना आए तो ये तो हो नहीं सकता। देखिए कितना चीजी है,
ये मोजरेला चीज का जादू है भाई, जरूर बनाइए और बताइएगा यामी बना, डिलेशियस बना या ऑसम बना, कैसा बना जरूर बताइएगा। बहुत टेस्टी है, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, मैं इसका आनंद उठाने वाली हूँ। बनाइएगा लोटस बटर में, मार्केट से ले आइए लोटस बटर और बना लीजिए ये यामी डिलेशियस चीज बॉस पिज्जा। बहुत टेस्टी, बहुत डिलेशियस और बहुत ही यामी। अब क्या बताऊं मैं आपको, बनाइए बनाइए जल्दी से, इंग्रेडिएंट कलेक्ट कीजिए और हमारी तरह बनाइएगा। देखिए मुंह में पानी आने वाला है सबके और सब आपकी तरह। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी? यदि आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो बनाइएगा जरूर, और बनाकर आप पिक्स शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आपको रेसिपीज कैसी लगती है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हम लाते हैं हमेशा आपके लिए अमेजिंग डिलिशियस रेसिपी। तो अमेजिंग डिलिशियस रेसिपी के लिए मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ सदा जुड़े रहिएगा। जो लोग चुपके चुपके चले जाते हैं ना, तो चुपके चुपके मत जाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। हमारे साथ हमारी फैमिली को बड़ा कीजिएगा। तो हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए तहे दिल से शुक्रिया, यूं ही जुड़े रहने के लिए और बनाने के लिए अमेजिंग डिलिशियस रेसिपी। तो फ्रेंड्स, बनाइए आज हमारी स्पेशल रेसिपी। हम चलते हैं फिर लाने आपके लिए नई और अमेजिंग रेसिपीज। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बनाते रहिए अमेजिंग रेसिपी, मैजिकल रेसिपी, मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ।